नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा माध्यम है जो सीमाओं को नहीं जानता। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, तमाम इसके प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तेजी के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन सूचनाओं के साथ अगर अफवाहें भी हवा में तैरने लगें तो फिर मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि आधा सच और अधूरी जानकारी महाखतरनाक है। ऐसे में सही जानकारी होना, सटीक जानकारी होना जरूरी है और यही काम हम आपके लिए करते हैं फैक्ट चेक के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह सफर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग भगवंत मान का विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो को संगरूर लोकसभा सीट में हार के बाद हुए साइड इफेक्ट से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि केवल कुछ ही दिनों में मान सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की तो क्या नतीजा सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह चुनाव हार गए हैं। ये सीट अब शिरोमणि अकाली दल के खाते में चली गई है। आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट खास थी। दरअसल इसी सीट से चुनकर भगवंत मान लोकसभा पहुंचे थे, बाद में इस्तीफा देकर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। अब सोशल मीडिया पर इस उपचुनाव के रिजल्ट को भगवंत मान से जोड़कर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि लोग मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तंज कसते हुए यूजर्स इसे मान सरकार की प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं। वायरल वीडियो जब हमारे सामने आया तो हमने इसकी पड़ताल करने की सोची, क्योंकि हमारी नजर में हाल फिलहाल में ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसमें कि भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ हो। वायरल क्लिप के स्क्रीनशॉट को रिवर्स सर्च करने पर हमें पंजाब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वही वीडियो मिल गया, लेकिन यहाँ इस वीडियो को 24 जनवरी 2022 को पोस्ट किया गया है और कैप्शन में लिखा था, जालंधर में पत्रकारों ने भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। पत्रकार पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है बल्कि करीब 5 महीने पुराना है। लेकिन इस वीडियो के पीछे कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा और सर्च किया। सर्च के दौरान हमें एक हिंदी समाचार वेबसाइट पर इस वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने 7 जनवरी 2022 को जालंधर प्रेस क्लब का दौरा किया था। वो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिनेश ढल को पार्टी में शामिल करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां जिले के दूसरे आप नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा जो विधानसभा टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। धीरे धीरे ये विरोध हिंसक हो गया और प्रेस क्लब की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। आप पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने 7 जनवरी 2022 को जालंधर प्रेस क्लब का दौरा किया था। वो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिनेश ढल को पार्टी में शामिल करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां जिले के दूसरे आप नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा जो विधानसभा टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। धीरे धीरे ये विरोध हिंसक हो गया और प्रेस क्लब की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। बाद में 24 जनवरी को जब मान ने जालंधर के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ पत्रकारों ने इस घटना का विरोध किया, जिसके बाद मान को मामला शांत करने के लिए पत्रकारों से माफी मांगनी पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो एक पंजाबी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया गया है, जिसमें भगवंत मान को प्रेस क्लब में हंगामे के लिए माफी मांगते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर इस वायरल वीडियो में लोग पंजाब में आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे। ये वीडियो 5 महीने पुराना है। वीडियो जनवरी 2022 में शूट किया गया था जब भगवंत मान को जालंधर में पत्रकारों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, जबकि मार्च 2022 में ही आप पंजाब में मान सरकार सत्ता में आई है। यश मित्तल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 20 सेकंड का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को पानी के बीच कुर्सी पर बंधे हुए देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में बॉलीवुड सॉन्ग अलग से एडिट करके जोड़ा गया है। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद ये पार्षद कभी अपने क्षेत्र में नहीं गए, इसलिए जब वापस वोट के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। क्या है सच और क्या है झूठ, इसकी पड़ताल इस रिपोर्ट में। चुनाव आता है, नेता चुनाव जीतते भी हैं। जनप्रतिनिधि बनने के बाद कई नेता पूरे 5 सालों तक दर्शन तक नहीं देते। जब 5 साल बाद चुनाव फिर आता है तो उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ती है। कुछ इसी तरह के आरोपों के साथ सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गली के बीच में पानी भरा हुआ है और उसी पानी में एक आदमी को कुर्सी से बांध दिया गया है और पानी से दूर खड़े लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ऑडियो की जगह पर बॉलीवुड की फिल्म का गाना इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो को वायरल करते हुए एक यूजर ने लिखा कि ये जनाब पार्षद हैं, चुनाव जीतने के बाद कभी अपने क्षेत्र में नहीं गए, वापस चुनाव आने पर वोट की अपील के लिए दौरे पर गए तो जनता द्वारा किडनैप कर लिए गए। देखते ही देखते इस वीडियो को इतना शेयर किया गया कि अचानक ही ये सबकी निगाहों में आ गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं और लोग कई मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये वीडियो हमारे पास भी पहुंचा तो हमने भी इस वीडियो की सच्चाई जाननी चाहिए। कई सवाल इस दौरान हमारे जहन में खड़े हुए, मसलन कितना सही ये वीडियो है, क्या वाराणसी के पार्षद को लोगों ने बंदी बना लिया था, क्या पार्षद को काम न करने की सजा मिली। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो का स्क्रीन ग्रैब निकाला और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया तो हमें ऐसी कोई रिपोर्ट सोशल मीडिया पर नहीं मिली जो आजकल की हो। लेकिन हमें नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक वाराणसी के एक मोहल्ले के लोग इसीलिए नाराज थे क्योंकि पार्षद लोगों की समस्या से निजात दिलाने की बजाय उनसे दूर रहे। लेकिन एक दिन वो लोगों के गुस्से का शिकार बन गए और फिर लोगों ने उन्हें कुर्सी से बांधकर पानी के बीच बैठा दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में सीवर समस्या और दूषित जलापूर्ति से खफा अंबिया मंडी के लोगों का गुस्सा पार्षद पर फूट पड़ा। लोगों ने पार्षद तुफैल अंसारी को कुर्सी से बांधकर सीवर के पानी में बैठा दिया। एक और वेबसाइट के मुताबिक ये घटना वाराणसी में हुई थी और पार्षद को बांधकर गलियों में पानी के बीच बैठा दिया गया था। पार्षद तुफैल अंसारी के खिलाफ लोगों की नाराजगी की रिपोर्ट मिलने के बाद हमने यूट्यूब का रुख किया तो हमें एक यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो मिला जो 22 नवंबर 2020 को अपलोड किया गया था, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गली गली सीवर का पानी भरा पड़ा है और पार्षद को लोग पकड़कर पानी के बीच कुर्सी से बांध रहे हैं। और यही नहीं, लोग योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसके बाद हमने खबर को कंफर्म करने के लिए पार्षद तुफैल अंसारी का रुख किया तो तुफैल अंसारी ने कहा कि इसके लिए नगर निकाय दोषी है। मैंने नगर निगम और जल बोर्ड में भी शिकायत की थी लेकिन 2 महीने से किसी का ध्यान नहीं गया और मेरे इलाके के लोगों ने नाराजगी में कदम उठाया। हालांकि बाद में पानी जमने की समस्या को ठीक कर दिया गया। तो हमारी पड़ताल में इस वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सही नहीं है। ये वीडियो नवंबर 2020 का है जिसे नया बताकर वायरल किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी साल नगर निगम और पंचायत के चुनाव होने हैं। रिदेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सड़कों पर जल जमाव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे दिल्ली का बताते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या नतीजा सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में मॉनसून की बारिश के साथ ही इससे जुड़ी पोस्ट की तादाद भी अचानक से बढ़ गई है। अब इस वीडियो को ही देखिए, इसे दिल्ली का बताकर वायरल किया जा रहा है और निशाना दिल्ली सरकार पर है। इस वीडियो में एक महिला कमर तक पानी के बीच से होकर गुजर रही है। वीडियो के अगले फ्रेम में कुछ लोग पानी में फंसी स्कॉर्पियो गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर नजर घुमाओ उधर पानी ही पानी। फेसबुक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि देखिए कितनी खूबसूरत है ये दिल्ली, कितनी खूबसूरत है यहाँ की सड़कें, काबिले तारीफ है यहाँ की व्यवस्था।
और लाजवाब है यहाँ की सरकार। वायरल वीडियो हमारे पास भी आया। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा था, क्या वो वाकई सच था, इसकी जांच करनी जरूरी हो गई थी, लिहाजा हमने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। जांच की शुरुआत वायरल वीडियो को खंगालने से हुई। वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कुछ ऐसे कमेंट्स मिले जिनमें इस वीडियो को रोहतक का बताया गया था। इसके अलावा जिस गाड़ी को धक्का दिया जा रहा था, उस गाड़ी की नंबर प्लेट डीएल नहीं बल्कि एच थी। वीडियो के अंत में एक बंद स्टोर के बोर्ड पर चोपड़ा इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ नजर आता है, लिहाजा हमने गूगल मैप्स का उपयोग करते हुए इस स्टोर के बारे में जानकारी लेना शुरू की। गूगल से पता चला कि ये दुकान रोहतक के कूड़ा कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इस दुकान के अलावा वीडियो की शुरुआत में फ्लाईओवर के खंभे पर P25 नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वीडियो में एक युवती वहां से गुजर रही थी। यही नंबर गूगल मैप्स पर भी बिजली की दुकान के पास ओवर ब्रिज के खंभे पर देखा गया। वीडियो में बिजली की दुकान के बगल में एक जियो आउटलेट भी दिखाई दे रहा था। इलाके के गूगल मानचित्र के जरिए ये पुष्टि हुई कि चोपड़ा इलेक्ट्रिकल्स के ठीक बगल में एक जियो डिजिटल लाइफ स्टोर भी है। वीडियो में दिख रहे दोनों स्टोर्स के होर्डिंग यहाँ भी मौजूद थे। मतलब साफ था, वायरल वीडियो दिल्ली का नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक जिले का था। मिले क्लूज के आधार पर पड़ताल को हम अगले चरण में ले गए। इस दौरान हमने चोपड़ा इलेक्ट्रिकल्स के मालिक आशीष चोपड़ा से भी संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो 30 जून 2022 का है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर ड्रेनेज पंप को ठीक से नहीं चलाने का आरोप भी लगाया। पड़ताल के दौरान आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के ट्विटर पेज पर घटना वाले दिन का एक वीडियो भी मिला। हमने जांच को और आगे बढ़ाते हुए YouTube पर रोहतक सड़क पानी जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके जरिए एक YouTube चैनल पर हमें एक शॉर्ट वीडियो मिला। ये वीडियो 2 दिन पहले ही अपलोड किया गया था। ये उसी वीडियो का हिस्सा था जिसे दिल्ली के नाम पर वायरल किया जा रहा है। एक रीजनल टीवी चैनल पर भी हमें इस वाक्य से संबंधित एक खबर मिली। 30 जून को चलाई गई इस खबर में बताया गया कि 13 मिलीमीटर बारिश में डूबा रोहतक शहर, सड़कों पर 4 फीट तक जल भराव। इस खबर में हमें वो वीडियो भी नजर आया जो दिल्ली का बता करके वायरल किया जा रहा है। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में वायरल पोस्ट गलत साबित हुई। पिछले महीने आई बारिश के बाद रोहतक की सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया था। ये वायरल वीडियो दिल्ली का नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक शहर का है, लिहाजा सोशल मीडिया यूजर्स को गुमराह करने के लिए वीडियो के जरिए गलत जानकारी दी गई। बेचू एस के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है उन खबरों का जो सही गलत के दायरे से थोड़ा हटकर हमको आपको गुदगुदाती हैं, चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, हंसने का मौका देती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और सोशल मीडिया के हल्के फुल्के माहौल को परोसती हैं, जहां टैलेंट भी होता है, गलतियां भी होती हैं, मस्ती और मजाक भी होता है। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इंटरनेट में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों के एक समूह को एक ही छतरी के नीचे चलते हुए देखा जा सकता है। इसमें 3 बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहे हैं। एक छोटा लड़का स्लेट पकड़े नजर आ रहा है। बच्चे एक ही छाते में खुद को एडजस्ट करते हुए बारिश की बूंदाबांदी के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। कहते हैं जिन लोगों की जिंदगी जोश से भरी होती है उनके लिए उम्र महज एक नंबर है। इसी कड़ी में इन दोनों एक बुजुर्ग कपल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग सरदार जी अपनी पत्नी के साथ किसी कैफे में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह डांस कर रहे हैं।
इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। हमारे समाज में पानी को लाना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। अच्छी भावना के साथ किसी प्यासे को पानी पिलाना तो और भी पुण्य का काम है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवरों की प्यास बुझा रहा हो तो इससे बड़ा और क्या ही होगा। इसी को दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक घर की दीवार पर बंदर का पूरा परिवार चढ़ गया है। अब बंदरों को पानी पीना है या नहीं, ये घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने महसूस किया। उसने पाइप से बंदरों को पानी पिलाना शुरू किया और बंदर भी बड़े मजे से पानी पीते नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है। डूबते हुए व्यक्ति को देखने के बाद एक हाथी बिना देर किए आदमी को बचाने की कोशिश करता है। हाथी उसे अपने पैरों और सूंड की मदद से किनारे पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा ये बंदर सेलिब्रिटी बन गया है। बंदर का स्टाइल और स्वैग देख लोग हैरान हैं। ये कोई आम बंदर नहीं है, ये मोबाइल फोन पर गाने भी सुनता है और इंसानों की तरह पेट पर आराम भी करता है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। बंदर के स्वैग को देख नेटिजंस हैरान हैं। सोशल मीडिया पर एक छोटे से डॉगी का एक प्यारा सा वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाड़ा बना हुआ है जिसके अंदर छोटे बड़े बहुत से डॉगी हैं। ज्यादातर सभी डॉगी वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटा सा डॉगी बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। वो डॉगी धीरे धीरे लोहे की जाली पर चढ़ना शुरू करता है और ऊपर तक पहुंच जाता है और इस तरह वो जाली को फांदकर बाहर निकल जाता है। इस वीडियो को देखकर हर कोई इस छोटे डॉगी की हिम्मत की तारीफ कर रहा है।